ओ गोली, कुछ हद तक रिसर्च की थी मैं जो तेरी प्रॉब्लम है ना, कि ने जो भी कंक्लूजन निकले से सारे इस ट्यूटोरियल पाए थे मैं। इस ट्यूटोरियल से तेरा जो एडिटर है तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, प्लस तेरा एक सिंपल जो प्रोग्राम बॉट से बनना इस कि ने चलावा वजह से ना सीखिए चलना। सबसे पहले सबसे अच्छी जो वेबसाइट मिली ट्यूटोरियल्स पॉइंट, इस पर AIML ट्यूटोरियल देख सकें तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें इजी है काफ़ी हद तक। 10 रने प्रोग्राम किया लिखना। रही गल एडिटर कि ने कंपाइल रहे था इन्हें थी जावर एक प्रोग्राम बनाया रहा तेरा ना देता रहा ए बी प्रोग्राम, ठीक है से यूज़ करना था AIML जो लैंग्वेज है, ठीक तीसरा जो सोर्स कोड से एग्जीक्यूट करने का थे सब कुछ वगैरह इस साइट बाद दा देख के। पहले मैं सारा जो बंडल आ जो भी चाहिए तेरा सेटअप कटे एक 7 ज़िपर का फाइल ही जिस पाए तेरा फेसबुक पर पाए देंगे मैं, सो डाउनलोड करने का थे। जब तक डाउनलोड कर लेना उसके बाद कोई एक लोकेशन अपने सिस्टम पर सेव से एक्सट्रैक्ट कर देना सारा फाइल्स। एक्सट्रैक्ट कर दो ये ठीक कि ने ये जो 7 ज़िपर का है वैसे की थी अलग जी सेव करके वे रखते हैं इतनी। जब तक देखना सबसे पहले तेरा इशू था एडिटर, ये जो भी कोई भी एडिटर यूज कर सके तो इधर गठे जे नोट पैड कोई और भी, बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसे कोड हाईलाइटिंग करी। मैं एग्जांपल दसूँ इतनी, सपोज कर मैं छोटा जे प्रोग्राम चकूँ इधर ये वाला, ठीक है ये प्रोग्राम की थी लिख दो सब पर चल पोना, इतनी नोट पैड यूज कीते मैं, बट तू देख सकी कोई भी कोड हाईलाइटिंग नहीं हुई कभी। अब जी मैं इसको खोलूँ नई प्रोग्राम इतनी लिखूँ ऑल्ट लैंग्वेज AIML, देखिए ना रेफरेंस कोड हाईलाइटिंग करा इतने ये होना कि जो भी कीवर्ड वगैरह है ठीक स्ट्रिंग्स वगैरह है तो सारे हाईलाइट हो जाने, कि तो अपना जो फोकस है मेन से प्रोग्रामर लॉजिकल पर रख सकें इधर हेल्प है थ्रू। तो रही एडिटर सॉल्यूशन हुई है तो यूज कर सकें अपना नोट पैड प्लस प्लस, बट नोट पैड प्लस प्लस ने जो लै ये जो AIML लैंग्वेज ये सपोर्ट नहीं इधर कट हमें एक छोटी सी एक्सटेंशन बना रही, ठीक है जो इस फोल्डर से पाई रही NPP फोल्डर अंदर। तू अगर मेरा वाला जो एक्सटेंशन यूज करना चाहिए AIML प्रोग्राम लिखने कट है नोट प्लस प्लस है थ्रू, तो ये वाली कॉपी करनी पड़नी थी जो नोट पैड प्लस प्लस रही डायरेक्टरी। सबसे पहले तो कॉपी कर ले ठीक है, फिर ते अपने टास्क बार पर किसी भी नोट पैड प्लस प्लस पिन की तरह राइट क्लिक करते पर ये आएगी NPP प्रॉपर्टीज पर जाए सरे राइट क्लिक करके फिर इधर लोकेशन खोल दे, ठीक है अभी थी देखिए जो यूजर डिफाइंड लैंग्वेजेस फाइल है ना XML फाइल इसको डिलीट कर दे करते, अब पेस्ट करते थी जब तक थी पेस्ट कर देनी उसके बाद अपना नोट पैड खोलो देख ये तो मेरा खुल करा लैंग्वेज पर जाके अगर ये थी AIML आई गया मतलब तेरा जो मेरा एक्सटेंशन है लैंग्वेज है इंस्टॉल होगी, ठीक है अब तू AIML प्रोग्राम लिख सकी थी ठीक है। अब करिए अपना छोटा सा प्रोग्राम ठीक है एडिटर है इसे सॉल्व हो गया। अब ये ऐसे जावर प्रोग्राम ने बनाया रहा नाम लिख रहा ए बी चेक करा क्या है मेनली जो भी तैयार AIML प्रोग्राम लिखने से एग्जीक्यूट करने में, तो सबसे पहले सर जो बॉट से जो भी तैयार बॉट बनाना बॉट बनाने इधर काम कर AIML जितने भी तैयार बॉट बनाना चाहे से इस फोल्डर अंदर पाने बॉट फोल्डर इतने पहले एक बॉट बन रहा सुपर, ठीक है बट ऐसा अपना बॉट चाहिए। सपोज कर थी मैं एक नया बॉट बनाना चाहा Alex21C, ठीक है
अब मुझे दो डायरेक्टरीज बनानी पड़ी इसके अंडर, पहली जो है AIML इन्हें मेन ही, दूसरी AIML IF डेट इज इंटरमीडिएट फाइल कोड, एडा कुछ है इधर फुल फॉर्म, तो इस तरह नाम कॉपी कर लूँ मैं। दो डायरेक्टरीज बनानी, पहला AIML, इस डायरेक्टरी अंदर जितना भी तेरा सोर्स कोड लिखना से जाना ठीक, किने दूजा AIML इंटरमीडिएट फाइल ठीक है। एक्चुअली इस तेरा जो भी कंपाइल करूँगा, जो भी जो प्रोग्राम आसा तिन्हें कंपाइल करूँगा, CSV फाइल बनानी, कॉमा सेपरेटेड फाइल ठीक, इस जो ना तेरा सारा सोर्स कोड डरा लॉजिक मैं दस का किया। ये दो फाइल बनाई थी, बॉट का नाम लिखते LX21C ठीक। अब कुछ प्रोग्राम करिए, बट उससे पहले एक छोटी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी एग्जीक्यूट करने कटे, देखी थी जो रन डॉट बैट है ना, इस तू अपने नोट पैड के अंदर खोल ले, नोट पैड ड्रैग एंड ड्रॉप कर, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कुछ नहीं है, कट कर इसको, दौड़ो जो कितनी पाए थे कि जो भी थी लिख रहा डिलीट कर दे सब कुछ ठीक है। उसके बाद एक डायरेक्टरी बाहर जा, ये लिख रहा मैं commands.npp नोट पैड प्लस प्लस वाली फाइल, इसे खोल दे दे अंदर, कॉपी कर दे दोनों जो फाइल, क्लोज पेस्ट कर दे। अब जो दस में जावा प्रोग्राम है तेरे कटे जावा इंस्टॉल होनी चाहिए सिस्टम में, पहले टेस्ट करने कटे तेरा सिस्टम में जावा है कि नहीं, डॉस ओपन कर, जावा लिख, अगर चल पे आए सिंटेक्स तो मतलब जावा इंस्टॉल ही, अगर ये नहीं चली कमांड तो मतलब तू नहीं इस बॉट यूज कर सकती, अगर एडा इस वक्त दस समझो, बट प्रॉब्ली तेरा चलना चाहिए क्योंकि तेरा जावा इंस्टॉल है सिस्टम ठीक। तो नोट पैड पर गए, इस डायरेक्टरी अंदर गए ठीक, ऐसे करना का चाहें ऐसे एक बैच फाइल बनाना चाहें, से ऐसा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कंपाइल कर दो कि नहीं रन कर दो, नहीं तो ऐसे बार बार डॉस ओपन करना पड़ना कि नहीं कमांड टाइप करनी पड़नी, ऐसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते देखा ठीक कमांड ही, ऐसे जावा इंस्ट्रक्शन देख रहे क्या कंपाइल करो प्रोग्रामो ठीक, जो जैर फाइल जो जावरी फाइल ली थी जो पता जैर एक्सटेंशन होने जावा आर्काइव सेव हुई, तो कंपाइल करना से प्रोग्राम किस जावरी फाइल ने ये फाइल ली थी ab.jar इधर थ्रू ठीक है, फिर इस फाइल इंस्ट्रक्शन दी थी कुछ कमांड लाइन पैरामीटर्स, मेन स्किप मार बॉट, बॉट का नाम क्या LX21C लिखा, याद रखे केस सेंसिटिव होना है ठीक है, अगर कौन श्योर नहीं था जरा नाम इतनी कॉपी करके रख लिया, फिर बॉट दस्ते से LX21C या करना क्या चाहें ऐसे AIML टू CSV जानना चाहें, दैट इज तेरा कंपाइल करना चाहना है जो AIML इस अंदर जो भी सोर्स कोड फाइल लिखनी है से जो भी पैरी एक तो इसे कन्वर्ट कर दो किस इंटरमीडिएट फाइल अच डेट इज CSV फाइल, तो इंस्ट्रक्शन लिखती ट्रेस करना चाहें अगर कोई एरर वगैरह आओ ठीक है, तो ट्रेस वगैरह तुझे दस देना तेना एरर रिपोर्ट सब कुछ, तो ट्रू रखती वैल्यू, बाकी मॉर्फ मुझे नहीं पता क्या चीज़ ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स था ठीक है, अगर ऊपर वाली कमांड चल गई तो मतलब तेरा प्रोग्राम आप भी कंपाइल हो जाना, दूजी इंस्ट्रक्शन ही लिख रही एग्जीक्यूशन कटे इस पर, बस बीके एक की चीज़ चेंज करने दें LX21C दैट इज जो अपना बॉट ठीक, तो अपना बॉट कुछ भी यूज कर सकें, बस थी बॉट का नाम ही चेंज कर रहा, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला कंपाइल करना नीचे वाला कमांड देख रहा है से एग्जीक्यूट डेट चैट करने दी, तो सब कुछ चलना चाहिए, ये सब कुछ हो जाएगा सेव कर दे ठीक है, तो नोट पैड प्लस प्लस हुई है कॉन्फिगर एग्जीक्यूट करने कटे जो ये जो बना रहा है जावर प्रोग्राम में भी कॉन्फिगर हुई है, तीसरी चीज ये प्रोग्राम लिखना, एक थोड़ा प्रोग्राम है लिख रहा ने इसको कॉपी करूँ कि व्हाट्सएप पर गया ठीक है, मेरा बॉट LX21C फिर AIML इतनी जाना तेरा सोर्स कोड, एक फाइल बनाई मैं तीसरा ना रखते कुछ भी लिखूँ टेस्ट डॉ
html जितनी मर्जी फाइल क्रिएट कर सकें, जरूरी नहीं है कि फाइल ऐसा कुछ पाना, ठीक है। अब एक ही हुआ, ये फाइल खोल लेनी है, ठीक है, इधर बैठे नोट पैड प्लस प्लस ने खोलना चाहिए था। प्रॉपर्टीज पर गई, चेंज पर गई, मोर ऑप्शन पर गई, स्क्रॉल करते बॉटम, नोट पैड प्लस प्लस आ गए थी, मत मार दी से चूज, क्योंकि दो इधर सिस्टम पर, मेरा वाला भी है तेरा वाला भी है, क्लैश हो जाना। इधर बैठे चूज अनदर ऐप ऑन दिस पीसी, फिर जी हाँ से पहले इतनी गए थे, ओपन फाइल लोकेशन, ये तेरा वाला नोट पैड प्लस प्लस, कॉपी करते तेरा पाथ, ठीक है, मिनिमाइज कितिया किने पेस्ट, ओपन, अप्लाई करते, ओके ओके। फिर जब इतनी जंगी तो देखिए जो टेस्ट डॉट ए आई एम एल था, सीधे नोट पैड प्लस प्लस ने खोलना, आपने खुलगी। अब एक चीज़ चेक कर ले रहे थी, जो लैंग्वेज ही सी ए आई एम एल टी क्वेरी होनी चाहिए, सिंटेक्स हाईलाइटिंग कर बैठे, सब कुछ ठीक है। अभी ये करो कॉपी पेस्ट, जी अपना हो किया गया, सिंटेक्स हाईलाइटिंग ढंग ने चली कर दी, ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। ये मेन चीज़ है, जब इतनी कॉपी करना ना, तो ये जो ए आई एम एल लास्ट टच क्वेश्चन मार्क का डिलीट कर देना ये वाला, ठीक है, इन्हें जो भी कोड है तेरी नेस्टिंग कर देनी, दैट इज ए आई एम एल अंदर है सब कुछ, तो एक मिनट नेस्ट अंदर, फिर पैटर्न कि टेम्पलेट चाइल्ड है अंदर, फिर ये अंदर हायरार्की बनेगी कि ऐड टू डिक्शनरी, ठीक। एग्जांपल जो प्रोग्राम है, अगर बंदा हेलो एलिस लिख कर था जो रिस्पांस देना थे ना, तो रिस्पांस होना चाहिए बॉट रहा हेलो यूजर, ठीक है। प्रोग्राम लिखा, सेव करते हैं कि ये जो वर्जन है ना, ये रिप्रेजेंट की करा तेरा जो बॉट बना एक तीसरा वर्जन, जी जी तेरा बॉट अब एडवांस होगा, तीन तीन ये वर्जन अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकें, तो फर्स्ट रिप्रेजेंट कर मेजर वर्जन, सेकंड माइनर, थर्ड पैच। कंपाइल रन करो देखिए, सो पहले जी ते कंपाइल करवाना तीसरे थ्रू, तो इतनी एक सीएसपी फाइल बन जानी, चल दसो कुछ भी नहीं करना, कंपाइल रन करने कटे सिंपल रन डॉट बैट पहले कॉन्फिगर की तरी, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो लास्ट अच्छे ने पूछना ह्यूमन, मतलब तू कुछ भी करना था थी क्वेश्चन आस्क के ने रिस्पॉन्स देना, बट पहले दस में थी जो इंटरमीडिएट फाइल, ये इस इंटरमीडिएट फाइल, अगर तू कोई भी टेक्स्ट एडिटर नोट पैड वगैरह तेने ओपन कर दे, ये तेरा जो कमांड लिखी देते हैं हेलो एलिस रिस्पॉन्स हेलो यूजर कितने उठाया टेस्ट डॉट ए आई एम एल, ठीक है, ये भी कंपाइलिंग कितने जनरल, ये थी चल करा। अब इस क्वेश्चन पूछिए जो इतनी लिख रहा से, एक चीज़ हो रही केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज, तो अपर केस लिख लोअर केस लिख, बंदा जी हम जी पूछ का इन्हें रेकोगनाइज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपोज कर मैं लिखूं हेलो एलिस रिस्पॉन्स मिलना हेलो यूजर, मिले हेलो यूजर, अगर मैं लिखूं हेलो एलिस, ठीक है, तब इन्हें मैच करना, केस इनसेंसिटिव तो जी मर्जी लिख सकी, बस हमेशा पैटर्न कैपिटल च लिखा ईजी होना, डिस्टिंग्विश करने हो रिस्पॉन्स किन्ने जो यूजर आस्क कर सकता है क्वेश्चन देना, ठीक है। इस प्रोग्राम में थोड़ा और एडवांस बना सके हैं, थोड़ा और ऐड कर रही हैं, पहली कैटेगरी ये थी, एक और करती हूँ मैं, दैट इज कैपिटल एच लिखना हेलो बॉट, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स होना चाहिए कुछ भी हाय एलेक्स,
ठीक है। अब इस प्रोग्राम में बाहर निकलना, कंट्रोल सी दबाया, एग्जिट होने का, यस। अब भी दिस बैच फाइल पर रन, ह्यूमन आई है, मतलब कुछ भी गलती नहीं की, मैं बस गलती थी होनी, अगर थी क्वेश्चन मार्क रही जाऊँगा ताकि कंपाइल नहीं होना जाऊँगा, नहीं तो इकट्ठे इधर एंड अब इतनी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक। इस तो क्वेश्चन पूछू, हेलो बॉब, रिस्पॉन्स आना चाहिए हाय एलेक्स, ठीक है। नहीं आया मतलब कुछ गलती हुई, आई गल हो रहा, अगर इसने नहीं होगा से रिस्पॉन्स तो बाय डिफॉल्ट से जो प्रोग्राम से बोलते हैं आई हैव नॉट आंसर, बट कुछ नहीं थी, मैं गलती क्या की, ठीक है। जो गलती की थी मैं सिर्फ इतनी कोटेशन एक्सक्लेमेशन साइन नहीं पुट की, यही तो है एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। इसे चेक करो जो सी एस पी फाइल बनी थी, क्या दिस है इसका आंसर, ना 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 इसनिया इस, हाँ हाँ है क्वेश्चन, अगर है हेलो बॉट तो आंसर होना चाहिए हाय एलेक्स, चल बे बेस्ट, आई हैव नो आंसर फॉर दैट। अच्छा बच्चो ये वाला इशू की तो देख रहा, क्या पता मैं इधो हटाऊँ, देखो एक्सक्लेमेशन साइन हट जाओ बच्चे, सेव करते हैं, नहीं बी करो इसको कंपाइल एंड रन, चले ठीक, हेलो बॉट वो ठीक है। एक्चुअली जो इशू था मेरे ख्याल से ना, जो एक्सक्लेमेशन साइन था या और भी कुछ सिंबल है थी ना, थे ना स्पेशल ऑपरेटर है इस लैंग्वेज अरे, समझ गए ना, जब तू स्टडी कर की AIML लगाना जो पता कुछ इधर ऑपरेटर वगैरह भी ऐसे इस्केप करने पहुँचे ही चलते हैं, ठीक है ना, इधर कुछ फोर मतलब निकाल कर आता थी कि लिख सके जो कोई भी प्रोग्राम्स जो मर्जी एक और सेटिंग रहेगी थी करने, जो भी ये स्पेशल सिंबल लेना है ना, कलर ब्लैक करूँगा वही जगह जो ये वाले थी AIML बैठे, इन सब मेरा कलर ब्लैक चाहिए जो, ना 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 ट्यूटोरियल छाट सके अभी हुई है सब कुछ इतने, बस 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 इतने था, ये ब्लैक अब बढ़िया लगता है देखना, ठीक है। इतना सिंपल प्रोग्राम बात है जो रही वेबसाइट है इम्प्लीमेंट करना, वेबसाइट है जैसे PHP रचकना आपको इम्प्लीमेंट कर सकें जी मर्जी, बट इतना काफ़ी होना टेस्ट करने का, ठीक बस इस साइड है याद रखिए ना ट्यूटोरियल्स पॉइंट, इस पर बेसिक दी तरह तो सब कुछ सेटअप आते रहा, चीज़ें कुछ भी कॉन्फिगर नहीं करना, इंस्टॉल नहीं करना पड़ना, सिंपल बॉटर अपना मैं जी ना बनाए थे पिक्सी कि जी थी दस जियाँ AIML फाइल की थी पुट करनी से कर कॉन्फिगर कर थोड़ी जी फाइल जो बैच फाइल थी रन करने कटे, तीसरा नाव चेंज कर दिया बॉटर बस बाकी सब कुछ सेम रहना, कि एग्जीक्यूट कर दिया बस इतना ही था, दस या कुछ होगा कि नहीं इधर रिस्पॉन्स।